नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। बटाला कादियां रोड पर हुए दर्दनाक हादसे में कुछ घायलों को अमृतसर अस्पताल में करवाया गया भर्ती। अमृतसर डिप्टी कमिश्नर ने अस्पताल का दौरा कर मरीजों का जाना हाल। अमृतसर के थाना छहरटा पुलिस ने दो अलग अलग मामलों में चार नशा तस्करों को किया गिरफ्तार। 275 ग्राम हेरोइन, 10,42,690 रुपए की ड्रग मनी और दो गाड़ियां की बरामद। अमृतसर के थाना मकबूलपुरा पुलिस ने चार कुख्यात अपराधी को किया गिरफ्तार। 12 बोर डबल बैरल बंदूक और 32 बोर का पिस्टल बरामद। और अब हलचल विस्तार से। बटाला कादियां रोड पर गत दोपहर एक दर्दनाक हादसा हो गया जिसमें करीब 5 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि एक निजी कंपनी की बस बटाला से मोहाली की तरफ जा रही थी। इसी बीच जैसे ही ये बस शाहबाद गांव से गुजरने लगी तो बाइक सवार को बचाते हुए वहां एक बस स्टैंड की बिल्डिंग से जा टकराई, जिसका सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है। सीसीटीवी वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कि एक मोटरसाइकिल सवार को बचाने के दौरान ये बस हादसाग्रस्त हो गई। यह हादसा इतना भयानक था कि बिल्डिंग का लेंटर टूटकर बस से जा टकराया, जिससे बस में बैठे कुछ लोगों की जान चली गई, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को अमृतसर के अलग अलग अस्पतालों में भर्ती करवाया गया है। घायलों की कुल संख्या 8 है, जिनमें से 3 को अमृतसर के गुरु नानक अस्पताल और 5 को अमनदीप अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। तो वहीं अमृतसर की डिप्टी कमिश्नर साक्षी साहनी का कहना है कि सभी का इलाज अच्छे तरीके से किया जाएगा और प्राइवेट हॉस्पिटल में भी जो मरीज भर्ती हैं उनका इलाज भी वे मुफ्त में कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान के दिशा निर्देश पर वे अमृतसर अस्पताल में भर्ती सभी मरीजों का मुफ्त इलाज कर रहे हैं, किसी का भी एक पैसा खर्च होने नहीं दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अमनदीप अस्पताल में एक मरीज गंभीर है और उसकी हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। जो लोग खतरे से बाहर हैं उनका गुरु नानक देव अस्पताल में अच्छे से इलाज किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उन्हें अभी तक इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है कि ये हादसा कैसे हुआ और जल्द ही जानकारी साझा की जाएगी। तो वहीं वे इसके लिए एक टोल फ्री नंबर भी जारी कर रहे हैं। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। सो आज बहुत ही अनफॉर्चुनेट एक ट्रैजेडी जड़ी हुई है, बस एक्सीडेंट होया सीगा, जड़ी बस गुरदासपुर एक्सीडेंट ग्रस्त हुई सीगी, उन्हां दे कुछ पेशेंट्स जड़े इत्थे रेफर हुए सीगे। सो कुछ पेशेंट साढ़े इत्थे है, कुछ अमनदीप हॉस्पिटल च है मौजूद, तो इत्थे इन्हां नूं वधिया इलाज इत्थे मिल रहा हैगा एंड जो भी इन्हां दा ट्रीटमेंट है वो कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट होएगा एंड जिहड़े इन्हां दे पेशेंट्स दे नाल अटेंडेंट्स भी हैगे हैं उन्हां नूं भी असीं यही तसल्ली दित्ती हैगी दैट बेस्ट इत्थे हैड्स ऑफ डिपार्टमेंट्स जिहड़े ने हॉस्पिटल दे वो आप इन्हां केसिस नूं ट्रीट कर रहे। सो इत्थे जिहड़े पेशेंट्स अपने अमृतसर हॉस्पिटल दे विच है GMCH दे विच वो सीरियस नहीं हैगे। जिहड़ा एक पेशेंट अमनदीप हॉस्पिटल गया है वो सीरियस हैगी है। असीं जल्दी एक नंबर भी रिलीज वैसे कर देनी है जिहड़े वैसे तो अटेंडेंट्स हर एक दे पहुँच गए हैं। सो आई थिंक मोर ऑर लेस इट इज़ अंडर कंट्रोल एंड ऑफकोर्स असी प्रे जरूर कर दें कि इन दी फुल रिकवरी जल्दी हो जाए। नहीं, आई डोंट हैव दोज डिटेल्स, वो हाले मेरे को डिटेल्स नहीं हैगी है, बट दिस वॉज जिहड़े पेशेंट्स इत्थे रेफर हुए हैं वो बिल्कुल आई कैन अश्योर कि एकदम ठीक हो जाएंगे एंड एक जो सीरियस है कि मैं उन्होंने भी विजिट कर रही है बट उन्होंने पूरा इलाज जरा है सरकार वालों कराया जाएगा एंड कोई इदा का उन्होंने कोई इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी अपना इलाज कराने के। सो ये चीज़ है फॉर अमृतसर जी। जिदा मान्योग CM सर के सानू हुक्म भी यही हुए हैं कि किसी भी पेशेंट को कोई तकलीफ ना आए, असी बेस्ट इलाज जो है
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਲਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕੋਸਟ ਅਸੀਂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। पंजाब में बढ़ रहे नशे को रोकने के लिए पंजाब पुलिस और पंजाब सरकार लगातार ठोस प्रयास कर रही हैं, जिसके चलते अमृतसर पुलिस को उस वक्त बड़ी कामयाबी मिली जब अमृतसर के थाना छहरटा पुलिस ने भारी मात्रा में ड्रग्स और ड्रग मनी बरामद की। इस संबंध में डीसीपी विजय आलम ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि थाना छहरटा पुलिस द्वारा बाईपास मोड़ गाँव काले घनुपुर इलाके में नाकाबंदी के दौरान सुखचैन उर्फ काला, अमृतपाल सिंह उर्फ पाल, हरमन सिंह को गिरफ्तार किया गया और उनसे 175 ग्राम हेरोइन, 1,20,000 रुपए की ड्रग मनी और एक स्विफ्ट कार बरामद की गई, जिसके बाद इनकी निशानदेही पर 9,20,000 रुपए की ड्रग मनी और एक स्कॉर्पियो गाड़ी बरामद की गई। उन्होंने बताया कि इनके पास से अब तक 175 ग्राम हेरोइन, 10,40,000 रुपए की ड्रग मनी, एक स्विफ्ट कार और एक स्कॉर्पियो बरामद की गई है। फिलहाल मामलों की जांच की जा रही है। तो वहीं एक अन्य मामले में पुलिस ने थाना छहरटा आबादी नानकपुर गुरु की वडाली इलाके से नरेंद्र सिंह उर्फ काला को गिरफ्तार कर उसके पास से 100 ग्राम हेरोइन और 2,690 रुपए की ड्रग मनी भी बरामद की है। पुलिस ने उसके खिलाफ भी मामला दर्ज कर लिया है। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। थाना छियाटा वालों दो वक्त मुकदमे दर्ज हुए, एक 172 नंबर मुकदमा, एक 174 नंबर मुकदमा। 172 होया 29/24 नु, 74 होया 3/24 नु। 172 नंबर मुकदमे दे विच असी तीन बंदे अरैसट किए, सुखचैन सिंह, अमृतपाल सिंह ते हरमन सिंह। ते इना वालों पहले एक स्विफ्ट कार बरामद हुई, तो 1,22,690 रुपए बरामद हुए। जदों असी इना दी बैकवर्ड लिंकेज ते गए तो सानू एक कार्तिक का पता चलिया जो सनी इनकलेव राम तीरथ रोड का रहने वाला है, उत्तों 10,40,000 रुपये ड्रग मनी रिकवर हुई है, तो एक स्कॉर्पियो कार भी रिकवर हुई है। तो जिहड़ा मुकदमा नंबर 174 हैगा उस नरेंद्र सिंह गिरफ्तार होया, तो उस तो 100 ग्राम हेरोइन बरामद हुई है। तो हुण असीं इन्हां अरैसट कर लिया, तो कार्तिक है वह हाले फरार है, तो उन्हों भी असीं लभ रहे हैं। तो जिहड़ी बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेजेस होणगियां वह भी असीं एक्सप्लोर करांगे जी। वो हाले असीं इन्हां दी पुछगिछ तो बाद सन पता चलेगा। स्कॉर्पियो गड्डी करी है ये स्कॉर्पियो रेतिंग। अच्छा जी, चलो इधर और भी जड़े मुंडे ने वो भी हाले सन पता चलेगा कि देखो ड्रग मनी भी अपना 10,40,000 मिली है, ते अपना गड्डी भी सन मिली है। गड्डी खड़ी है और रुपया बना दिए कि नशा मोड़ के ते बेचा होएगा। हां जी, पॉसिबिलिटी हैगी है जी, या बेचे होना या कितने लैन जा रहे होना। किस गड्डी ते लगदा और पहला भी इदां दे कार्ज कीते गए और जां कुछ और वखरे जेड़े क्राइम कीते। देखो गड्डी तो सस्पिशियस हैगी है जी, तो असी एक्सप्लोर करांगे कि कितने कितने या तो जो पैसा मिले कितने लैन जा रहे हैं, ड्रग या वेच के आ रहे हैं किस हिसाब से। इन्हों यंग ही ने जी, 22-25 साल के है जी। बिल्कुल जी, प्रॉपर्टी के उपर झाक मारी जाऊगी कि जिहड़ी भी इल गॉटन मनी तो ड्रग मनी नाल बनी है वो असी प्रॉपर प्रोसीजर करके एज पर लॉ असी। बिल्कुल जी, ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਏਗਾ ਸਰ, ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਨਾਮ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਆਰਟੀ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਆਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹਲੇ ਅਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਵੈਪਨ ਜਾਂ ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਐਕਸਟਰਾ ਨਹੀਂ? ਹਲੇ ਸਾਨੂੰ ਆਈ ਨਹੀਂ, ਡਰਗ ਮਨੀ ਮਿਲੀ, ਕਾਰ ਮਿਲੇ। ਤੇ अमृतसर में बढ़ते अपराध और लूटपाट की घटनाओं को रोकने के लिए अमृतसर पुलिस लगातार नाकाबंदी कर सख्ती दिखा रही है, जिसके चलते अमृतसर के थाना मकबूलपुरा की पुलिस ने उस वक्त बड़ी सफलता हासिल की जब पुलिस ने 5 लोगों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया। इस संबंध में जानकारी देते हुए DCP लॉ एंड ऑर्डर विजय आलम सिंह ने बताया कि अनवर सिंह उर्फ जम्बू, गुरप्रीत सिंह उर्फ काका महिया, आकाशदीप और सूरज सिंह को 12 बोर डबल बैरल बंदूक और 32 बोर पिस्टल के साथ थाना मकबूलपुरा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि इनके एक अन्य साथी संदीप सिंह उर्फ लाडी को
प्रोडक्शन वारंट पर जेल से बाहर लाया जाएगा ताकि इनसे आगे की पूछताछ की जा सके, जिससे और भी खुलासे होने की संभावना है। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। एफआईआर नंबर 110 मकबूलपुरा थाना इसी साल दी सन 2024 दी आर्म्स एक्ट तहत दर्ज हुई है। उस पर वादा जुर्म होया है 111/3 BNS। उदे च असी पांच दोषी गिरफ्तार किए है। उन्हां ओ पांच दोषियों का नाम है अनवर सिंह, गुरप्रीत सिंह, आकाशदीप, सूरज सिंह ते संदीप सिंह। सानू इन्फॉर्मेशन सीगी कि यह जिहड़े दोषी हैगे है कोई ना कोई वारदात करके ते मकबूलपुरा एरिया दे थाने च इन्होंने ठार बनाई है। तो उस तो बाद सानू इन्फॉर्मेशन मिलन तो बाद श्री गुरप्रीत सिंह भुल्लर साहब मान्यो कमिश्नर पुलिस अमृतसर उन्हां दी डायरेक्शन दे तहत असी टीम्स बना के थाना SHO मकबूलपुरा ने अपनी टीम्स बना के ते एरिया च सर्च की। तो सानू सब तो पहला दो दोषी मिले, अनवर ते गुरप्रीत। यह सारिया की उम्र 20-25 साल के विच हैगी है। तो इन्हों तो सानू वेपन भी मिले है ते अपना हथियार भी मिले है। ते उस तो बाद गिरफ्तार करन तो बाद इन्हां सानू दो दोषियों बारे होर पता चलिया, आकाशदीप ते सूरज। असी उन्हां भी गिरफ्तार किया है। तो उस बाद एक दोषी जेल च बंद सेगा जिहड़ा इन्हां नाल पहला कॉन्सपिरेटर सेगा आकाशदीप सिंह उर्फ लाडी, उन्हों भी असी प्रोडक्शन वारंट ते लिया रहे हैं। ते सारे ते किसी दे स्नैचिंग दे परचे, किसी दे NDPS दे परचे हैगे है, किसी दे डकैती दे परचे है। तो असी ये सारिआं नूं चार जणे गिरफ्तार इत्थों कीता मकबूलपुरे तों, ते एक नूं असी लिआए आ अपना जेल तों प्रोडक्शन वारंट च। ते हुण असी मानयोग अदालत तों प्रोडक्शन अपना रिमांड लैके ते असी इन्हां दी पुछगिछ करांगे। किन्ने वेपन बरामद होए सर इन्हां तों? सानूं होए है अपना दो वेपन बरामद होए है ते 50 ग्राम हीरोइन बरामद हुई है। जेल तो नैटवर्क चला रहे थे। पहले इन्हों का ही पार्टनर से जी। पहले सारे ते परचे है जी, पंजा ते परचे है, किसते पांच परचे, किसते दो परचे, किसते पांच सत परचे। सॉरी, हाँ जी हाँ जी बिल्कुल जी। सानू जिवें इन्फॉर्मेशन मिली कि इन्होंने मकबूलपुर थाने दे एरिया ठार बनाई है, उमें ही असी टीम्स बना के ते असी इन्हों अरेस्ट किया। जालंधर ग्रामीण पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए बंद घरों को निशाना बनाकर चोरी करने वाले गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए SSP देहात हरकमल प्रीत सिंह खाक ने बताया कि गिरफ्तार किए गए आरोपी की पहचान सागर निवासी वार्ड नंबर 5 भादी रोड बलाचौर अभी निवासी चंडीगढ़ कॉलोनी टांडा और शंभू निवासी चंडीगढ़ कॉलोनी टांडा जिला होशियारपुर के रूप में हुई है। उन्होंने बताया कि ये गिरफ्तारियां SP जसरूप कौर बाथ के नेतृत्व में एक विशेष अभियान के दौरान की गई। इस अभियान की निगरानी DSP आदमपुर कुलवंत सिंह ने की और इसे भोगपुर थाना प्रभारी इंस्पेक्टर सिकंदर सिंह विर्क ने अंजाम दिया। ये कार्यवाही निहारिका निवासी लदोआ भोगपुर द्वारा 11 सितंबर को दर्ज करवाई गई शिकायत के आधार पर की गई है। उन्होंने बताया कि पुलिस ने आरोपियों से चोरी किया गया 50 ग्राम सोना, अपराध में इस्तेमाल की गई एक मोटरसाइकिल, एक पेचकस और लोहे की छलनी भी बरामद की है जो घरों में सेंध लगाने के लिए इस्तेमाल होती थी। उन्होंने कहा कि गिरफ्तार आरोपियों को अदालत में पेश किया जाएगा और पुलिस रिमांड की मांग करेगी ताकि मामले की गहराई से जाँच की जा सके और गिरोह के अन्य सदस्यों को गिरफ्तार किया जा सके। पुलिस अन्य साथियों की गिरफ्तारी और बाकी चोरी किए गए सामान की बरामदगी के लिए जांच जारी रखे हुए हैं। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। इजरायली नसीरुल्लाह के निधन पर महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला द्वारा शोक व्यक्त किए जाने के बाद
दुर्गियाना कमेटी की अध्यक्ष लक्ष्मी कांता चावला और अन्य हिंदू संगठनों ने देश और इंसानियत के दुश्मन की मौत पर शोक मनाने वाली महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला का पुतला फूंका। इस अवसर पर बोलते हुए दुर्गियाना समिति की अध्यक्ष लक्ष्मी कांता चावला और हिंदू सामाजिक संगठनों के नेताओं ने कहा कि आतंकियों का कोई धर्म नहीं होता और मानवता के ऐसे दुश्मन की मौत पर शोक मनाने वाले भी देश के दुश्मन हैं। इसी वजह से उनका पुतला जलाया गया है और देश की खातिर मानवता के हक में आवाज उठाई है, क्योंकि ये दोनों हमेशा आतंकियों का समर्थन करते रहते हैं। कभी खतरनाक आतंकियों को छुड़ाने के लिए खुद का अपहरण करवा लेते हैं तो कभी आतंकियों की मौत पर शोक रखते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसी दोहरी राजनीति कभी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। देखो सारा भी भैन जी ने दसता, पर मेरी सारे सनातन हाथ जोड़ के बेनती है कि तुहाडे असे सारे ना वड्डा खुशी का दिन सी जिस दिन इजराइलियां नू तीन दिन पहलों मारिया सी। उस सारी दुनिया का सारा वड्डा दुश्मन सी। बदकिस्मती हिंदुस्तान के विच महबूबा मुफ्ती तो उमर अब्दुल्ला उहदे मरण ते शोक मना रहे क्योंकि साडा दुश्मन सी। जिहड़े बंगलादेश हिंदू मर गए उदों इह बोलदे नहीं, पाकिस्तान साडी धीआं भैणां मर गईआं उदों बोलदे नहीं। साडी केंद्र सरकार अगे अपील है कि इहो जिहे बंदिआं ते सख्त कार्रवाई कीती जाए। खुशी मनाउण दा दिन है कि 20 सालां बाद जाग एडा वड्डा दुश्मन मारिआ जिहड़ा सारी इंसानियत दा दुश्मन सी। इस कारण साडी केंद्र सरकार अगे अपील है कि मुफ्ती नूं अंदर दित्ता जाए। ऐसे गुरू दा पुतला साड़िया गया, अगों ऐसे वारन किया गया, हिंदुस्तान दे विच रह के जिहड़ा हिंदुस्तानियों के खिलाफ बोलेगा उसका इहो ही अशर होगा। देखो ऐसा है, पिछले 3 दिन से लगातार ये खबर आ रही थी कि इजराइल दी बल्ले बल्ले 97 लाख लोगों का देश है सिर्फ इजराइल, उसने नाक दाम करके रख दिया और उसने धमकी ये दी है कि मैं लेबनान और यमन को गाजा बना दूंगा। अगर नसीरुल्ला मारा गया है तो वो इंसानियत का दुश्मन था, वो ना हिंदू का दुश्मन, ना सिख का दुश्मन, ना मुसलमान का दुश्मन, वो इंसानियत का दुश्मन है। हुती वाले हमला कर रहे हैं, इंसानियत का दुश्मन है। लेकिन उसके मरने पर तू दुखी ना हो, पर खुश क्यों हो रही है मुफ्ती, मुफ्ती महबूबा, मुफ्ती में महबूबा और उसके बाप ने हमेशा देश से दुश्मनी की है। आपको याद होगा कि जब मुफ्ती के पिताजी ने कह दिया था मेरी बेटी का अपहरण हो गया, कोई अपहरण नहीं हुआ था, इसके घर में पार्टियां चलती रही, बिरयानी चलती रही और उसके बदले 5 दुर्दांत आतंकवादी इन्होंने छुड़वाए थे। ये देश के दुश्मन है। महाकाल ज्योतिष रिसर्च इंस्टीट्यूट और स्माइल एनजीओ के संयुक्त तत्वावधान में थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों के लिए विशेष रक्त शिविर का आयोजन गंगा ऑर्थो अस्पताल जालंधर में किया गया। यह आयोजन होप फॉर लाइफ एनजीओ के सहयोग से किया गया, जिसमें समाज के विभिन्न वर्गों से जुड़े लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इस अवसर पर महाकाल ज्योतिष रिसर्च इंस्टीट्यूट की मालकिन ने एक महत्वपूर्ण संदेश दिया। उन्होंने कहा कि हमारे समाज में एक गलत धारणा है कि महिलाएं रक्तदान नहीं कर सकती, लेकिन आज हमने इस मिथक को तोड़ते हुए ये साबित किया कि महिलाएं न केवल हर क्षेत्र में योगदान कर सकती हैं बल्कि वे रक्तदान भी कर सकती हैं। उन्होंने कहा कि अगर महिलाएं जीवन को जन्म दे सकती हैं, परिवार चला सकती हैं और हर सामाजिक कार्य में भाग ले सकती हैं तो वे रक्तदान भी कर सकती हैं। इस शिविर में कॉलेज के छात्रों के साथ साथ शहर के अन्य लोगों ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इस रक्तदान शिविर में कुल 50 यूनिट रक्त संग्रहित किया गया, जिसे गंगा ऑर्थो अस्पताल जालंधर के ब्लड बैंक की टीम द्वारा एकत्रित किया गया। ये रक्त थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चों के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, जिन्हें नियमित रूप से रक्त की आवश्यकता होती है। इस आयोजन में महाकाल ज्योतिष रिसर्च इंस्टीट्यूट की रितिका माहरवाहा, स्माइल एनजीओ की रीमा गुगलानी, शिखा वर्मा, तर्शीला शर्मा, गुरप्रीत अफजा, गंगा ऑर्थो अस्पताल जालंधर की ओनर और एमडी डॉक्टर सुगंधा शर्मा और ब्लड बैंक ऑफिसर डॉक्टर सुनील गुप्ता विशेष रूप से मौजूद थे।
जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। Myself astrologer Ritika, Mahakal Jyotish Research Institute Vallo te naal Smile NGO Avza Gurpreet te naal sadi Trishla ji jo ki thalassemic patients li kaam karde aaj assi sare le mil ke Ganga Ortho Care de vich assi a chhota jeha uprala leya ki females can even donate the blood. eh ik myth hai hamesha to ki aurtaan khoon daan nahi kar sakdiyan. ਮਿੱਥੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਖੁਦ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਅਹਿਮਤ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਜੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਨੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਾਧਾਂ ਦੇ ਉਪਲਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਰਾਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇਕਰ ਖੂਨਦਾਨ ਦਾ ਕੈਂਪ ਹੀ ਰੱਖ ਲਈਏ ਤੇ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਰਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਉਪਰਾਲਾ ਲਿਆ ਡੋਨਰਸ ਦਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਫੀਮੇਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੇਲਸ ਆਏ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਐਨਜੀਓਜ਼ ਜੁੜੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਜੁੜੇ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਜੁੜੇ ਖੂਨਦਾਨ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਗੰਗਾ ਔਰਥੋ ਕੇਅਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜਦਿਆਂ ਹੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਇੱਕ ਲੋਗੋ ਪੜਿਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਬਲੱਡ ਕੈਨ ਨਾਟ ਬੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਡ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਲੱਡ ਕਿਸੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇਸ ਲੋਗੋ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਫੀਲਿੰਗ ਆਈ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਪਿਓਰਿਟੀ ਭਰਾ ਖੂਨ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਿਲਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਕੀ ਹੈਲਪ ਹੀ ਕਰ ਜਾਵੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਗੇ ਰੀਮਾ ਜੀ ਜੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਨਹੋਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਖੂਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਜਾਤ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਸਿਰਫ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਖੂਨਦਾਨ ਔਰ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਾਨ ਹੈ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪਿੱਤਰ ਪਕਸ਼ ਦੀ ਔਰ ਸ਼ਰਾਧਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਿਤਿਕਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਖੂਨਦਾਨ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਨਦਾਨ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਔਰਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਟੈਬੂ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਖੂਨ ਪੀਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸੋ ਅਸੀਂ ਖੂਨ ਦੇ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਬਲਾ ਨਹੀਂ ਆ ਅਸੀਂ ਵੀ ਖੂਨਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਥੈਂਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇਵੈਂਟ ਮੈਨੇਜਰਸ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਜਿਮ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਬਾਡੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੋ ਫੀਲ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਐਨਰਜਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਔਰਤ ਜੋ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾਨ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਤੁਸੀਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੋ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਡੋਨਰਸ ਪਹੁੰਚੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਾਹ ਪੜ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਸਮਾਈਲ ਪਲੀਜ਼ NGO ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਅਫਜ਼ਾ ਵੱਲੋਂ ਐਂਡ ਹੋਪ ਫੋਰ ਲਾਈਫ ਕ੍ਰਿਸ਼ਲਾ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਥੈਲੇਸੀਮਿਕ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਬਲੱਡ ਚੜ੍ਹਦਾ ਪਰ ਅਸੀਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬਲੱਡ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਕੈਂਪਸ ਆਰਗਨਾਈਜ਼ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੂਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਿਲ ਸਕੇ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਧੰਨਵਾਦ ਗੰਗਾ ਔਰਥੋ ਕੇਅਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖੂਨਦਾਨ ਮਹਾਦਾਨ ਹੈ ਉਹਦਾ ਰਿਤਿਕਾ ਦੀ ਨੇ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਕੈਂਪ ਜਿਹੜਾ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਵੀ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਫੀਲਿੰਗ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਬਲੱਡ ਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਹੈਲਪ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਏਗੀ ਉੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਫੀਲਿੰਗ ਹੈ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਰਫ ਅੱਜ ਕੰਮ ਕਾਰ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਰ ਕਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਅੱਜ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਖੂਨਦਾਨ ਦਾ ਕੈਂਪ ਜਿਹੜਾ ਅਰੇਂਜ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਬਿਤ ਕਰਤਾ ਕਿ ਲੇਡੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖੂਨਦਾਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ਰਿਤਿਕਾ ਦੀ ਦੁਆਰਾ ਸਮਾਈਲ ਪਲੀਜ਼ NGO ਦੁਆਰਾ ਅਫਜ਼ਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡੋਨਰਸ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਟ ਕੀਤਾ ਔਰਥੋ ਕੇਅਰ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਹੈਲੋ ਜਲੰਧਰ ਹੈਲੋ ਇੰਡੀਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੈਂਪ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਖੂਨਦਾਨ ਮਹਾਦਾਨ ਇੱਥੇ ਜੋ ਅੱਜ ਕੈਂਪ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਰਿਤਿਕਾ ਮੈਮ ਵੱਲੋਂ ਰਿਤਿਕਾ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਗੰਗਾ ਔਰਥੋ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਿਥ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਜਾਂ ਔਰਤਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਨ ਔਰਤਾਂ ਅਬਲਾ ਹੈ ਨਾਰੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੈ ਅਗੋਂ ਨਵਰਾਤਰਿਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਆ ਰਹੇ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਜਨਮ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਔਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਔਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਹੇਠ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜੋ ਹੈ ਅੱਜ ਇੱਥੇ
ਸਾਰੀਆਂ ਫੀਮੇਲ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਖੂਨਦਾਨ ਦਾ ਕੈਂਪ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰਿਤਿਕਾ ਦੀਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੰਗਾ ਔਰਤੋਂ ਹੋਸਪਿਟਲ ਵੱਲੋਂ ਮੈਮ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕਸ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਮਾਨਿਕ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਮੈਂ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਡਿਵਾਈਨ ਪਲੈਨਰਸ ਐਂਡ KGM ਵੱਲੋਂ ਪਲੀਜ਼ ਮਾਨਿਕ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਆਈ ਐਮ ਸੁਗੰਧਾ ਫਰੋਮ ਗੰਗਾ ਔਰਥੋ ਕੇਅਰ ਹੋਸਪਿਟਲ मैं थैंक करना चाहूँगी स्माइल प्लीज़ NGO का कि उन्होंने इतनी अच्छी इनिशिएटिव लिया और उससे भी ज़्यादा खूबसूरत लगा कि इतनी सारी महिलाओं ने आके आज ब्लड दिया है विच इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग बिकॉज मैं जनरली आज जिमर्स को देखती हूँ जिम वाले लड़के और कॉलेज के लड़के आके ब्लड देते हैं आज बहुत सारी लेडीज़ ने आके ब्लड दिया है विच इज़ अ वेरी नाइस थिंग ऑर्गेनाइजेशन भी ये लड़कियों से ही रन है लेडीज़ आर रनिंग दिस ऑर्गेनाइजेशन सो इट्स ब्यूटीफुल एक्चुअली गंगा ऑर्थो केयर ब्लड बैंक में सुनील जी ने 30-35 बच्चों को अडॉप्ट किया हुआ है थैलेसीमिया थैलेसीमिया किड्स वो होते हैं जिनके खून बॉडी में नेचुरली नहीं बनता है तो उनको हर महीने ब्लड लगवाने हमारे हॉस्पिटल आना पड़ता है फ्री ऑफ कॉस्ट सुनील जी उनको हर महीने ब्लड प्रोवाइड करते हैं कितने बच्चे हैं अराउंड 30-40 बच्चे हैं सो मेरी यही रिक्वेस्ट है सबसे कि जब भी आपको लगे कि यू वॉन्ट टू डू अ नोबल डीड और अ गुड डीड आप आइए अपना ब्लड डोनेट कीजिए बिकॉज बॉडी 24 आवर्स में फिर से उतना ही ब्लड नेचुरली हमारा प्रोड्यूस कर सकती है पर वो बच्चे हैं जिनको एक्चुअली ब्लड की जरूरत हर महीने पड़ती है सो थैंक यू लिवासा अस्पताल जिसे पहले IVY अस्पताल के नाम से जाना जाता था उसने अपनी आधिकारिक रीब्रांडिंग की घोषणा की है इस मौके पर प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए CEO पवन कुमार ने कहा कि लिवासा अस्पताल अपने बिस्तरों की संख्या मौजूदा 750 से बढ़ाकर 2000 करने के लिए तैयार है इस महत्वपूर्ण वृद्धि में मौजूदा इकाइयों में 150 से 200 बिस्तरों को शामिल करना और पंजाब और पड़ोसी राज्यों में नई स्वास्थ्य सुविधाएं खोलना शामिल है इंडिया RF और लिवासा टीम इस विकास को आगे बढ़ाने और लिवासा को स्वास्थ्य सेवा उत्कृष्टता में अग्रणी रूप में स्थापित करने के लिए पूरी तरह से समर्पित है इंडिया RF का नया निवेश वैन कैपिटल और प्राइमल ग्रुप के बीच एक संयुक्त उद्यम के साथ न केवल क्षमता बढ़ा रहा है बल्कि नई सुविधाओं का निर्माण और नई तकनीक जोड़ रहा है बल्कि उच्च गुणवत्ता वाली देखभाल प्रदान कर रहा है रोगी केंद्रित देखभाल को बढ़ावा देने वाली ये नई दृष्टि हमारे नए नाम लिवासा का आधार है अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट मेरा नाम डॉक्टर पवन कुमार है मैं CEO हूँ लिवासा हॉस्पिटल्स के लिए आज से हमारे हॉस्पिटल ग्रुप का नाम लिवासा हॉस्पिटल्स है लिवासा दो शब्दों से बना हुआ है लाइफ और आशा जिंदगी और उम्मीद तो लिवासा जो है ये जिंदगी की उम्मीद है जिंदगी की नई उम्मीद है और हमारा मोटो है वी केयर फॉर लाइफ हम जिंदगी के लिए केयर करते हैं सर पहले ये किस नेम से था अब किस नेम से पहले ये IV हॉस्पिटल के नाम से जाना जाता था और आज से ये लिवासा हॉस्पिटल के नाम से किडनी ट्रांसप्लांट के बारे में बता रहे हैं उसके बारे में बताइए सो अभी कुछ दिनों पहले एक महीने पहले हमने यहाँ किडनी ट्रांसप्लांट का पहला पेशेंट सक्सेसफुली डिस्चार्ज किया तो बड़े समय बाद अमृतसर में पहला किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था और अब यहाँ पर हमारे पास डॉक्टर्स हैं सहूलियत हैं सरकारी अप्रूवल है सारा वर्कअप यहीं हो जाता है पेशेंट का सारा इलाज यहीं हो जाता है अभी रिसेंटली हमने ब्रांडेड कमेटी की अप्रूवल ली है अब कैडावरिक पेशेंट के डोनेशन से भी यहाँ किडनी ट्रांसप्लांट होना संभव हो जाएगा और यहाँ उसकी भी रजिस्ट्री खुल गई है पेशेंट आ रहे हैं अपना रजिस्ट्री करा रहे हैं एज एंड व्हेन कैडावर इज अवेलेबल वो ट्रांसप्लांट भी संभव है सो एक साल पहले इस ग्रुप में एक इन्वेस्टमेंट आया था इंडिया RF की तरफ से जिससे इस ग्रुप की शेयर होल्डिंग चेंज हो गई थी इंडिया रिसर्जेंस फंड इज अ JV बिटवीन बेन एंड पिरामल और उन्होंने कंट्रोलिंग स्टेक लिया था इसमें उसके बाद से जो हमने काफ़ी इन्वेस्ट किया है इसमें रूपरेखा में इन्वेस्ट किया है टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट किया है डॉक्टर्स में इन्वेस्ट किया है मैनेजमेंट टीम में इन्वेस्ट किया है पेशेंट केयर में इन्वेस्ट किया है नर्सेज में इन्वेस्ट किया है स्टाफ की ट्रेनिंग में इन्वेस्ट किया है तो हम जिस तरह से काम कर रहे हैं और जो पहले काम कर रहे थे उसमें परिवर्तन है अब हम ज़्यादा कॉम्प्लेक्स काम कर पा रहे हैं ज़्यादा जटिल समस्याओं का समाधान कर पा रहे हैं ICU और क्रिटिकल केयर का जो आउटकम है वो काफ़ी इम्प्रूव हो गया है मोर्टेलिटी रेट्स काफ़ी कम हो गई हैं स्टाफ यहाँ रुकने लगा है वो ट्रेन होने लगा है वो अपना करियर देखने लगा है इन सब परिवर्तन के तहत हमें लगा कि ये जो सारा परिवर्तन है ये मूलभूत है हमारा DNA हमारा फैब्रिक बदल चुका है
और इसीलिए ये नया नाम है जो इस सारे परिवर्तन को सिग्निफाई करता है। सर, पंजाब में कितने के ग्रुप हैं इसके, कितने हॉस्पिटल हैं? पंजाब में अभी हमारे 5 हॉस्पिटल हैं, 750 बेड हैं, और अभी हम पंजाब और पंजाब से बाहर और शहरों में भी देख रहे हैं अपना विकास, और हमें लग रहा है कि अगले 2 से 3 साल में हम 2000 बेड तक पहुँचेंगे। नवयुवक मंडल रामलीला कमेटी 1 से 11 अक्टूबर तक रामलीला पार्क सोढ़ल रोड पर रामलीला का आयोजन कर रही है। 12 अक्टूबर को दशहरा पर्व मनाया जाएगा। इस दौरान नव युवक मंडल रामलीला कमेटी ने शहर के गणमान्य लोगों को निमंत्रण पत्र दिया। इस मौके पर DRP ग्रुप के प्राणनाथ भल्ला, राहुल वशिष्ठ, रोहित, रेमको ग्रुप के मंगत राय शर्मा, सालसन ग्रुप के राकेश गुप्ता और मुनीषा गुप्ता को अध्यक्ष सुखविंदर कालिया, पूर्व पार्षद ओम प्रकाश, पूर्व पार्षद दीपक शारदा, विकी शर्मा, सुनील विज, बिट्टू रवि कुमार ने निमंत्रण पत्र प्रदान किया। इस मौके पर कमेटी नेताओं ने बताया कि 1 अक्टूबर को विश्व मोहिनी, स्वयंवर और रावण अत्याचार के मंचन के साथ रामलीला पार्क में रामलीला की शुरुआत होगी। इसी प्रकार 11 अक्टूबर तक कलाकारों द्वारा रामलीला का मंचन किया जाएगा। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक बार फिर से नजर डालिए। बटाला कादियां रोड पर हुए दर्दनाक हादसे में कुछ घायलों को अमृतसर अस्पताल में करवाया गया भर्ती। अमृतसर डिप्टी कमिश्नर ने अस्पताल का दौरा कर मरीजों का जाना हाल। अमृतसर के थाना छहरटा पुलिस ने 2 अलग अलग मामलों में 4 नशा तस्करों को किया गिरफ्तार। 275 ग्राम हेरोइन, 10,42,690 रुपए की ड्रग मनी और 2 गाड़ियां की बरामद। अमृतसर के थाना मकबूलपुरा पुलिस ने 4 कुख्यात अपराधी को किया गिरफ्तार। 12 बोर डबल बैरल बंदूक और 32 बोर का पिस्टल बरामद। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल। नमस्कार।